Enemies ahead. Love to. Hello guys, कैसे आप सब लोग? तो स्वागत है आप सब लोगों का एक ब्रांड न्यू PUBG मोबाइल वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हाउ यू गाइज कैन डू 6x स्प्रे विद एनी गन, चाहे वो M4 हो और चाहे वो बैरल हो। तो इट डजेंट मैटर गाइज। तो बेसिकली मेरे को 6 or 7 months हो चुके हैं यूजिंग 6x एंड AR कॉम्बिनेशन। एंड ऑनेस्टली सेइंग यार, मैं काफ़ी अच्छा हो चुका हूँ इस चीज़ में कि मैचेस कर सकता हूँ। सो बेसिकली मैं यूज़ करता हूँ जायरो एंड 4 finger claw। तो आई डोंट नो अबाउट योर गाइज प्रेफरेंस। बेसिकली आई विल रिकमेंड यूजिंग जायरो विद द 6x स्प्रे क्योंकि बहुत एक्यूरेट हो जाता है। एंड ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अवॉइड गोइंग अगेंस्ट बोल्ड एक्शन। मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि मैंने क्यों कहा। एनीवेज गाइस, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट गन। मेरे पास है M4 और इसके साथ मैं अटैचमेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, कंपनसेटर, एंगल ग्रिप और क्विक ड्रॉ प्लस एक्सटेंडर। तो इसमें क्या होगा कि क्विक ड्रॉ तो हम ऑब्वियसली लगाएंगे, राइट? तो गाइस यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ एंगल ग्रिप क्योंकि ये वर्टिकल रिकॉइल कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल रिकॉइल तो जायरो के साथ कंट्रोल कर ही लेता हूँ। सो अराउंड, अगर आपको सेकंड टिप बताऊँ तो सेकंड टिप यही रहेगी कि आप अगर 150 मीटर्स के दूर जा रहे हो तो डेफिनेटली क्राउच डाउन, एंड अगर आप 200 मीटर्स के दूर आपका एनिमी है तो आपको मैं बहुत रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप लेट जाओ, क्योंकि लेटने से आपका एम बहुत स्टेबल हो सकता है। लाइक यू कैन सी इन दिस वीडियो, कि आप देख ही सकते हो इस वीडियो में कि आपका कितना अच्छा हो रहा है। एंड एनीवेज गाइज, दिस वॉज विद M4 और अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ यू गाइज कैन मास्टर द बैरल 6x स्प्रे। तो यहाँ पे मैं अगेन एंगल ग्रिप यूज़ कर रहा हूँ और कंपनसेटर यूज़ कर रहा हूँ, ऑफकोर्स विद 6x। तो नेक्स्ट टिप मेरी यही रहेगी कि आप लीन करके मारो, अगर आप चाहे आप M4 यूज़ कर रहे हो और चाहे आप बैरल यूज़ कर रहे हो, लीन करने से आपका लिटिल बिट रिकॉइल कम हो जाता है जो वर्टिकल होता है। ओके, तो मोस्टली इसमें क्या होता है, 6x में मोस्टली आपका वर्टिकल रिकॉइल ही दिक्कत देगा। अगर आप जायरो यूज़ कर रहे हो तो आपको वर्टिकल रिकॉइल ही दिक्कत देगा। सो आई विल रिकमेंड कि आप बैरल के साथ मोस्टली क्राउच डाउन करो, कि खड़े होकर मारने में कोई भलाई नहीं है, आपका एम इधर उधर जाएगा, बहुत वॉबल करेगी आपकी गन। तो बेस्ट रहेगा कि आप बैठ के मारो, और अगर उससे भी बेटर रहेगा तो आप लेट के मार सकते हो तो लेट के मारो, साफ बन के मारो यार, उड़ा दो सामने वाले को। और अगर आपको बताऊं कि आप 150 मीटर्स के दूर जा रहे हो तो डेफिनेटली रिकमेंड कि आप लेट जाओ, सांप बन जाओ भाई, सांप बन जाओ। बेस्ट रहेगा बैरल के साथ अगर आप 6x स्प्रे कर रहे हो, ठीक है? और अगर 200 मीटर कर जा रहे हो तो कोई पॉइंट नहीं बनता कि आप स्प्रे करो। डेफिनेटली आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप गन को सिंगल शॉट में चेंज कर लो, और चाहे खड़े होकर मारो, बैठ के मारो, डजेंट मैटर। तो मोस्टली अभी मैं खड़े होकर मार रहा हूँ और लीन कर रहा हूँ। आपको बताया था कि लीन करने से रिकॉइल कम होता है, यू नो, तो दिस ट्रिक आल्सो वर्क विद सिंगल शॉट फायर। तो दिस वर सम ऑफ ट्रिक्स और टिप्स मेरी साइड से जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं विद इन दिस 6 months ऑफ टाइम कि मैं यूज़ कर रहा हूँ 6x। दिस टाइम मैंने छोड़ ही दिया है यूजिंग DMR। मोस्टली मैं बोल्ट एक्शन यूज़ करता हूँ, लेकिन मेरा जायरो थोड़ा दिक्कत देता है, सो आई काइंड ऑफ मेरा बोल्ट एक्शन बहुत गंदा हो चुका है। तो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप ये 6x स्प्रे किसी भी गन का आप बोल्ट एक्शन के सामने ना करें, क्योंकि वो आपके सर पे फट से फटका डाल देगा, ठीक है? सो गाइज, दिस वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हुई वीडियो तो गो अहेड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल, और यार शेयर कर दो भाई। एनीवेज गाइज, मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, सी यू लेटर गाइज, बाय बाय।